वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर सिल्क रोड बाय निक मिडिल्टन. निक मिडिल्टन की बात करें तो वो एक फिजिकल ज्योग्राफर रह चुके हैं एंड मोर देन 50 कंट्रीज को अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं. तो इस चैप्टर में वो हमें ऐसी ही अपनी एक जर्नी के बारे में बताते हैं जो उन्होंने टेक करी थी बेसिकली सिल्क रोड के थ्रू. अब ये जो सिल्क रोड है ये क्या था? ये जो सिल्क रोड है उन लैंड रूट्स को कहते हैं जो बेसिकली कनेक्ट करते हैं ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को साउथ एशिया से, पर्शिया से, अरेबिक पेनिनसुलर, इन सब जगहों से. तो उसी में से एक रूट पे उन्होंने ट्रैवल किया था. तो यहाँ पे बताते हैं वो कि उनकी जो जर्नी थी वो कैसी रही थ्रू दैट रूट. अब उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल क्यों किया था? बेसिकली वो जानना चाहते थे कि ये जो माउंट कैलाश है ये इतना ज़्यादा फेमस है और ये जो लेक मानसरोवर है इतनी ज़्यादा फेमस है अपनी स्पिरिचुअल मैजिक के लिए या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ के लिए. तो वो जानना चाहते थे क्या ये बात सच है या नहीं. ये स्पिरिचुअल मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते थे एंड माउंट कैलाश पे जाके ये कोरा परफॉर्म करना चाहते थे. अब कोरा क्या था? कोरा बेसिकली एक तरीके का बुद्धिस्ट रिचुअल होता है जो कि लोग परफॉर्म करते हैं. तो एक तरीके से ये पिलग्रिमेज थी या आप कह सकते हैं एक रिलीजियस यात्रा जिसे हम कहते हैं वो थी. तो अब ये जो चैप्टर है पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ समरी दे देती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं तो उनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे. पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं. बट उससे पहले इसी ये जैसी बाकी सारी वीडियोस के लिए आप जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप. तो ऑथर यहाँ पे बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया. उनके साथ थे उनके एक दोस्त डैनियल और उनके जो गाइड थे जिनका नाम था सीतन. तो ये लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को एंड अच्छे कपड़े वगैरह, खूब गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स जो हैं वो सब लेकर ये लोग चलते हैं. गाड़ी में जा रहे होते हैं, ट्रैवल उसमें करते हैं ये. देन ये हमें बताते हैं ये जो सीतन है वो इन्हें कहते हैं कि वो उनको एक ऐसे रास्ते से लेकर जाएंगे जहाँ से इनको कम प्रॉब्लम होगी एंड अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो ये टाइम पे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ इन्हें पहुँचना है. तो ये लोग अपनी जो जर्नी है उसको शुरू करते हैं एंड जैसे ही इस जर्नी को ये शुरू करते हैं इनको बहुत सारी ब्यूटीफुल साइट्स नज़र आती हैं. बहुत सारी जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं ये भी इनको रास्ते में नज़र आती हैं एंड ये अपना जो रास्ता है उन्हीं के थ्रू जो उनका जाता है इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ से जाते हैं. अब ये लोग जब जा रहे होते हैं बीच में रास्ते में बर्फ़ पड़ जाती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते. एंड सीतन ने ये बात खुद बोली थी कि शायद यहाँ से प्रॉब्लम जो होगी वो कम होगी इस रास्ते से, लेकिन अब यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई थी एंड जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था. अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि जैसे जैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं वैसे ही जो ट्विस्ट्स या जो टर्न्स या जो शार्प्स होते हैं रोड्स के, आपको पता होगा माउंटेन एरियाज़ में जो रोड्स हैं वो एकदम प्लेन नहीं होते, वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड होते हैं, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होते हैं. तो उनके जो एंड्स होते हैं, जो टर्न्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं. तो ये यहाँ पे इनके लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी कि इनकी जो गाड़ी थी जब उनको शार्प टर्न लेना था तो उनके दोस्त को और उनको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा और सीतन बहुत ही आराम से जो गाड़ी है उसको टर्न कर रहे थे. वो बाहर इसीलिए निकले क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई ड्राइव कर रहा है और वो भी इस सिचुएशन में जहाँ पर रोड स्लिपरी है, वो इतनी हाइट पर है एंड जो गाड़ी है उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो ड्राइवर है उस पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है इस चीज़ की एंड ताकि उस पर एक बर्डन ना आए इसीलिए लोग गाड़ी से बाहर निकल गए थे. देन वो अपना जो रास्ता है उसको आगे आगे धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं. अब क्या होता है आगे जाके, बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड होती है तो जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर जो फ्यूल है वो वेपराइज होने लग जाता है एंड ताकि लीकेज ना हो इस वजह से वो उसको खोल देते हैं तो जाके जो इवेपोरेटेड फ्यूल है या जो फ्यूल है वो उड़ जाए ताकि लीकेज ना हो. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद यहाँ पर हमें वो बताते हैं ये कुछ टाइम बाद जो उनके दोस्त डैनियल हैं वो वापस चले जाते हैं ल्हासा. ल्हासा से उन्होंने अपनी जो ये जर्नी थी वो शुरू करी थी एंड वहाँ पे वो वापस चले जाते हैं. अब बचते हैं सीतन और बचते हैं हमारे ऑथर, दैट इज़ निक मिडिल्टन. तो निक बताते हैं ये लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड ये जा पहुँचते हैं होर जो कि एक जगह है. उस जगह के बारे में बताते हैं कि उनको बिल्कुल भी वो जगह पसंद नहीं आती, काफ़ी डल होती है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती और उनको वो सारी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं आती. लेकिन फिर भी थ्रू द वे उन्हें जाना होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता.
तो वहाँ से जा रहे होते हैं वो, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है. देन अगले दिन वो पहुँचते हैं डार्चिन. डार्चिन के बारे में भी वो सेम चीज़ बताते हैं कि उनको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती. होर की तरह ही थी वो जगह भी, ना कोई वेजिटेशन, और पाइल्स ऑफ रिफ्यूज़ जो थे वो वहाँ रखे हुए थे. पाइल्स ऑफ रिफ्यूज़ मैंने कि वो सारी चीज़ें जो कि किसी काम की नहीं है बेसिकली, वो सारी चीज़ों की पाइल्स जो थी वो वहाँ पे बनी हुई थी, रखी हुई थी. वो जो टाउन था वो इतना डल लग रहा था, इतना ड्राई लग रहा था कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तो लेकिन उनको वहां पे रुकना तो था ही, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाए. एक तो उनको साइनस हो गया था, ऊपर से इतनी कोल्ड थी, उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, तो पूरी रात वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे. तो अगली सुबह जो सीजन है वो उनके डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें दवाई देते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, आपके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इस तरीके की जर्नी पर आए हो जहाँ पे ऑल्टीट्यूड इतना हाई है, ठंड है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई. तो वो उनको पिल्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और उसके बाद जो हमारे ऑथर हैं वो प्रॉपर्ली सो पाते हैं. अब अगले दिन क्या होता है, जो सीतन है वो भी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं बाकी सारे टूरिस्ट को लाने के लिए. अब बट ऑब्वियस सीतन जो है वो एक लोकल गाइड थे, तो उनको और सारे जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर आना था, उनको अपने बिजनेस से मतलब था. तो अब यहाँ पे बचे सिर्फ और सिर्फ ऑथर ही थे. तो ऑथर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनके जो दोस्त डैनियल हैं वो पहले चले गए, वो यहाँ पे रह गए, एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि वो करें तो क्या करें. और उनको जाना है इस पिलग्रिमेज पे, उनको माउंट कैलाश जाकर कोरा परफॉर्म करना है, लेकिन वो अकेले कैसे करें, उनको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत थी. तो वहीं पे जब वो एक लोकल कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे, तो उनको वहाँ पे उन्होंने सोचा काश कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं जर्नी टेक कर सकूँ, जो इंग्लिश बोल सके, बिकॉज निक जो है वो एक ब्रिटिश फिजिकल ज्योग्राफर थे, तो इंग्लिश उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अदरवाइज़ वो लोगों से कैसे बात करते. तो जब वो कॉफ़ी पी रहे थे एंड वहाँ बैठे थे आराम से, तभी उनको नोरबू एक वहाँ पे इंसान था, उसने आकर उन्हें अप्रोच किया. अब नोरबू ने बीजिंग यूनिवर्सिटी में काम कर रखा होता है एंड अब बेसिकली वो रिसर्च पेपर्स पे अपना काम करना चाहता है, कुछ रिसर्च वर्क के लिए वो भी यहाँ पे आया है. एंड जब इन दोनों ने आपस में बात करी तो ऑथर को लगा कि मैं इस इंसान के साथ जा सकता हूँ अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, क्योंकि नोरबू को भी अपनी जो रिसर्च है जो रिलेटेड टू दिस माउंटेन है एंड दिस कोरा प्रैक्टिस है, इसको इस पे रिसर्च वर्क करना है, उसको लिखना है, एंड मुझे भी वहाँ जाना है, तो हम दोनों इस जर्नी को एक साथ अंडरटेक कर सकते हैं. एंड ये दोनों के दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि ये जाएंगे एंड अपनी अपनी जो जर्नी है एक साथ ये ट्रैवल करते हैं. तो ये है इसका एक ब्रीफ आइडिया. इस पूरे चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है मैंने आपको ये समरी में बताया है. तो अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ डिटेल इन थ्री पार्ट्स, जहां मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो क्या थी. तो आइए स्टार्ट करते हैं उन डिटेल से. जो ऑथर है उनकी जर्नी स्टार्ट होती है रावू से. अब यहाँ पे ऑथर हमें ये नहीं बताते कि लामो कौन है एंड उनका उनसे क्या रिलेशन था, क्या वो उनकी फ्रेंड थी, कौन थी वो. बट हाँ, उन्होंने इतनी बात ज़रूर बताई है कि एक बार उन्होंने ये बात बोली थी उन्हें जब वो रावू में थे कि भाई मुझे जाना है माउंट कैलाश जाना है, मुझे कोरा परफॉर्म करना है. तो लामो ने उन्हें ये बात बोली थी कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको वार्मर क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ठंड होगी. एंड इसीलिए जब वो फेयरवेल ले रहे होते हैं अपनी जर्नी जो उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं विद सीतन एंड ऑब्वियसली उनके दोस्त डैनियल, तो उनको वो गिफ्ट करती हैं एक लॉन्ग शीप स्किन कोट. शीप स्किन कोट क्यों गिफ्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो शीप की स्किन होती है काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है, वुलन क्लोथ्स जो है उनकी ज़रूरत थी, इतनी ठंड की जगह पे जाएंगे क्योंकि ये, तो ये उन्हें गिफ्ट करते हैं. तो ऐसे तो उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है एंड उसकी जो डेस्टिनेशन क्या है उनकी, उनकी डेस्टिनेशन है माउंट कैलाश पे पहुंचना एंड कोरा को परफॉर्म करना. तो अब देखते हैं जर्नी स्टार्ट तो हो गई है, बीच में क्या होता है एंड देन देखेंगे इसमें एंड में क्या होता है. सो अपनी जर्नी वो शुरू कर चुके थे रावू से एंड वो लोग जैसे ही निकले उनको बहुत ही सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो थी वो रास्ते में नज़र आईं. एंड उन्हीं में से उनको नज़र आए ड्रोगबाज, जो कि क्या थे, ड्रोगबाज थे नोमैडिक ट्राइब्स. अब हिली एरियाज़ में, माउंटेनियस रीजन्स में ट्राइब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोमैडिक ट्राइब्स, एंड ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब ये अकेले अकेले रहते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ ये रहते नहीं हैं, एक कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी की तरह आप इन्हें कह सकते हो. एंड ये अपने फ्लॉक्स के साथ जा रहे थे, अपने कैटल के साथ जा रहे थे एंड ये देख रहे थे जो गाड़ी थी उसको स्टेयर कर रहे थे. एंड उसमें से मैन एंड वुमेन दोनों थे जिन्होंने फुली कवर्ड कपड़े पहन रखे थे, फुली रैप्ड थे वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली थी उस जगह पे भी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. एंड वो इनको देख रहे थे और ओकेजनली उनकी तरफ वेव भी कर रहे थे.
देन वो बताते हैं कि उन्होंने पास किया थ्रू टिबेटन टेंस, टिबेटन टेंस के थ्रू भी उन्होंने पास किया, एंड उन लोगों के पास काफ़ी सारे टिबेटन मैस्टिफ्स थे. मैस्टिफ्स बेसिकली डॉग्स, एंड ये जो डॉग्स थे ये गार्ड डॉग्स की तरह थे. एंड जैसे ही कोई इन टेंट्स के पास आ रहा था, टिबेटन टेंट्स के पास आता था, तो ये एकदम से अलर्ट हो जाते थे एंड अटैक करने की कोशिश करते थे. तो एक तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने टिबेटन टेंट्स को, वहाँ पे जो इनके लोग थे उनको, एंड कुछ दूरी तक इनकी व्हीकल को इन्होंने चेज भी किया. देन वो बताते हैं कि क्योंकि जो स्नो थी वो अनएक्सपेक्टेडली होने लगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो हमें झेलनी पड़ी. जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया था रोड, एंड अपॉन दैट जो टर्न्स थे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प थे, जिसकी वजह से डैनियल और उनके साथ साथ जो ऑथर थे उनको बाहर निकलना पड़ा है, ताकि सीधन बहुत ही आराम से इन टर्न से जो अपनी गाड़ी है उसको टर्न कर सके इन शार्प टर्न्स पे. तो अब इनकी जो व्हीकल थी, ये जो थे, ये थे ऑलमोस्ट 5,210 मीटर्स अबव सी लेवल. तो इस हाइट पे थे ये, तो डेफिनेटली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफ़ी कम हो चुका था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इसीलिए जो फ्यूल था वो एक्सपैंड होने लगा था. तो ताकि ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि लीकेज ना हो, तो उनका जो लिड था उनको खोलना पड़ा फ्यूल टैंक का, जिसकी वजह से जो हमारे ऑथर है उनके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ, बिकॉज उसकी जो स्मेल थी उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे. अब ये लोग हॉर पहुंच चुके थे, ये एक टाउन था, वहाँ पे उनको अपने जो फ्लैट टायर्स थे गाड़ी के उनको रिप्लेस करना था. दो फ्लैट टायर्स थे, इनको उनको ठीक करवाना था, तो उन्होंने यहाँ पे एक ब्रेक लिया. मीनवाइल डैनियल जो उनके दोस्त हैं उन्होंने सोचा कि अब वो वापस जाएंगे, तो वो ल्हासा की तरफ वापस चले जाते हैं. उनको ट्रक मिल जाता है, तो उस ट्रक में बैठ के वो उनके साथ चले जाते हैं. तो अब बचते सिर्फ सीतन और उनके साथ साथ हमारे ऑथर हैं. तो यहाँ ऑथर बताना शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, और के बारे में बताते हैं कि ये जगह उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आई. ये जो छोटी सी जगह थी, ये शोर पे थी लेक मानसरोवर के, लेकिन इतनी गंदी थी, कई सालों से एक्यूमुलेटेड जो वेस्ट था वो यहाँ पे था, रिफ्यूज था वो यहाँ पे था. बहुत ही डल, बहुत ही मॉर्बिड, बहुत ही ड्राई था ये टाउन जो ये कहते हैं. इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वो. और इनका ये भी कहना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स थे वो पढ़े थे इस जगह को लेकर, इस ब्यूटीफुल जर्नी को लेकर, तो मैं काफ़ी डिसहार्टेंड हुआ, क्योंकि मेरा एक स्टार्क कंट्रास्ट था. मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो झेलनी पड़ रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा जो अकाउंट था वो इतना हैप्पी नहीं था, मेरी जो जर्नी थी उसकी स्टार्टिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो अब यहां से वो फिर आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ के जाते हैं वो डार्चिन में. तो डार्चिन भी हो की तरह एक जगह ही थी. अब यहां के बारे में क्या बताते हैं वो देखते हैं. अब ये डिटेल्स हैं ऑथर की जर्नी की लास्ट बिट की, जहां वो बताते हैं कि वो, मैंने आपको बताया, डार्चिन पहुंचते हैं एक जगह, वहां पे गेस्ट हाउस है, वहां पे अराउंड 10:30 PM ये लोग पहुंचते हैं. एंड ऑथर पूरी रात सो नहीं पाते, क्योंकि ए, उन्हें साइनस था, दूसरी बात वहां पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी थी, एंड तीसरी बात वहां पे काफ़ी ठंड थी. तो पूरी रात ये सो नहीं पाते. तो अगली सुबह सीतन उन्हें एक मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं, वहाँ डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देते हैं, एंड वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, एंड देन दैट नाइट वो प्रॉपरली सो पाते हैं. अब अगले दिन सेतन जो है वो छोड़ के चले जाते हैं उन्हें, क्योंकि सेतन को बाकी सारे टूरिस्ट को भी लेकर आना था. मैंने आपको बताया वो एक गाइड थे, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब था, तो वो बाकी सबको भी लाना चाहते थे इस पिलग्रिमेज पे, इस जर्नी पे रिलीजियस. तो अब वो अकेले बचे थे, एंड अब उनको लगा कि डार्चिन बहुत ही बकवास जगह है, एकदम होर की तरह है, ना यहाँ पे शॉप्स प्रॉपरली हैं, ना यहाँ लोग ढंग से हैं, और उनको यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. जैसा होर था वैसा ही उनके लिए डार्चिन था. एंड अब वो ये सोच रहे थे कि क्या मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे आना तब चाहिए था जब सीज़न होता यहाँ पे आने का. यहाँ पे मेरे साथ और लोग नहीं थे जो मुझे अकंपनी कर पाते, तो ये काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे. एंड तभी जब ये एक कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, एंड वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने एक इंसान बैठा है जो कि एक इंग्लिश बुक पढ़ रहा है.
तो उन्हें लगा कि शायद ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ ये अपनी जर्नी जो है वो कवर करे। तो इन दोनों की आपस में बात हुई, तो उसका नाम था नोरबू, और जो नोरबू था वो बेसिकली काम कर रहा था एट बीजिंग यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे उनको काम था ये कि उनको रिसर्च करनी थी, कुछ अपने रिसर्च पेपर बनाना था। एंड उनका जो रिसर्च का टॉपिक था वो यही था कि ये जो लेक मानसरोवर है, इसकी स्पिरिचुअल मैजिक और ये जो माउंट कैलाश है, इन सब चीज़ों के बारे में ही इनको अपना जो रिसर्च पेपर था उसको करना था। तो ये दोनों ने जब आपस में बात करी तो इन दोनों को लगा कि हाँ, ये म्यूचुअली इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ऑथर को भी लगा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे और उन्हें आगे जाने के लिए किसी ना किसी की ज़रूरत तो होने ही वाली थी। नोरबू का भी सेम मोटिव था, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये जो जर्नी है उसको एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो दोनों एक साथ जर्नी पे जाते हैं, एंड जो ऑथर है वो अपना जो रिचुअल है, कोरा जो है, उसको परफॉर्म करते हैं। वही नोरबू, जिनको ये रिचुअल परफॉर्म नहीं करना था, लेकिन इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने जो रिसर्च थी उसको कंप्लीट करते हैं। तो यही थी इनकी जर्नी, यही थी उस जर्नी का लास्ट बिट। जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सारी की सारी बता दी। So that's all for this video. इस वीडियो में हमने देखी सिल्क रोड चैप्टर की समरी, एंड इसी की तरह बाकी सारे चैप्टर की फुल समरी के लिए भी आप अभी जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। I loved everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's all right. Hush.